दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की किसी भी एप्लीकेशन पे फेस लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं बहुत ज्यादा मार्केट में एप्लीकेशन देखने को मिल जाती हैं जिससे आप अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, लेकिन उन एप्लीकेशन में एक फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई मिलता जुलता बंदा है या अगर कोई बंदा आपकी पिक्चर को ही उस लॉक के सामने कर देगा तो वो लॉक ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूं बड़ी ही तगड़ी एप्लीकेशन है, बड़ा ही तगड़ा लॉक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन की मदद से अपने मोबाइल को लॉक कर दिया अपने फेस से, उसके बाद अगर आप अपने मोबाइल को ओपन करना चाहते हैं आपने सिंपली क्या किया, उस टाइम जब आपने लॉक किया था तो आपने ऐनक उस वक्त नहीं लगाई थी, लेकिन अगर आप अब ऐनक लगा के अपने मोबाइल को इस लॉक को ओपन करना चाहेंगे तो ये लॉक ओपन नहीं होगा। मतलब ये एप्लीकेशन आपके फेस डिटेक्ट करने के साथ साथ आपकी आई भी डिटेक्ट करती है। दोस्तों ये एप्लीकेशन कौन सी है वो वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे इस प्लेनेट पर पहली दफा उतरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाना। इसका बेनिफिट ये होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस प्लेनेट पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। इस वीडियो में लाइक टारगेट आपके सामने आ रहा है यार, वीडियो का लाइक टारगेट लाजमी पूरा करना। इस वीडियो को जितना हो सके यार वीडियो को शेयर लाजमी करना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AM to the PM, PM to the AM. तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नेम है आयोबिट ऐप लॉक। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा वहां जाके इसको डाउनलोड कर लेना, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो बाद में आप कहेंगे यार ये एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही और फेस लॉक नहीं लग रहा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों अब फेस लॉक आप किस तरह लगाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पे जैसे ही क्लिक कुछ आपको फीचर इधर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि है फेक लॉक का। अगर आप इसको लगा देते हैं तो फिंगरप्रिंट आपकी स्क्रीन पे लॉक नजर आएगा और भी डिफरेंट आपको इधर देखने को मिल जाते हैं फेक लॉक जो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हम इधर बात करने वाले हैं फेस लॉक की, तो सबसे पहले आपने इधर फेस लॉक को ओपन कर लेना है। फेस लॉक को ओपन करने के साथ आपको यह ऑप्शन इधर नजर आ रहा है, आपने इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद इधर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी डाउनलोडिंग होगी, उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जितनी भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है इधर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जिस भी आप एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहते हैं सिंपली आपने क्या करना है, आपने उस एप्लीकेशन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे कि मैंने दो एप्लीकेशन पहले से सिलेक्ट की हुई है, व्हाट्सएप और मैसेजेस। फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग को भी लॉक लगाना चाहता हूं, सिंपली आपने क्या करना है, आपने सेटिंग के आगे जो लॉक है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यह सेटिंग लॉक होगी। अब फेस लॉक आपने किस तरह लगाना है, अब फेस लॉक लगाने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने बैक का बटन दबाना है। बैक का बटन दबाने के बाद दोबारा इस एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपके सामने फेस आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, लॉक लगाने के लिए इस फेस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने फेस के बटन पे क्लिक किया तो अब सेटिंग में फेस लॉक लग गया। और साथ ही साथ आपने एक और ध्यान रखना है, अगर इधर से ये बटन ऑफ है तो आपने इसको इधर से ऑन कर देना है। अब मेरी व्हाट्सएप पे भी फेस लॉक लग गया और सेटिंग में भी फेस लॉक लग गया, तो मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन करता हूं और देखता हूं मेरी व्हाट्सएप लॉक है या नहीं है। तो जैसे ही मैंने अपनी व्हाट्सएप को ओपन किया मेरी व्हाट्सएप लॉक ही है। इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं और अपने डाटे को सिक्योर बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को लाजमी दबाना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।